हम हर जगह यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शुद्ध खाने पीने को मिले, ताकि वो तो स्वस्थ रहें, तो डॉक्टर का तो खर्चा बचे, तो देश को लाभ हो, उनको भी लाभ हो। तो आपको ये सब चीजें आसानी से वहां मिल सकती हैं। आप कभी भी चले जाइए, ऑर्डर दे दीजिए, आ जाएगा। अब आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि ये मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है। आपको संकल्प करना है, बस हर चीज दुनिया में है, संकल्प लेने की बात है। हम ऐसा संकल्प करके अपना जीवन बिताना शुरू करें, आपका हजारों लाखों रुपए का दवा का खर्च बचे और देश का करोड़ों रुपए का दवा का खर्च बचे। मैंने एक दिन हिसाब लगाया था, सब हिंदुस्तानी स्वस्थ हो जाएं तो साल में 7 लाख करोड़ रुपए बचेगा, तो 30 साल में भारत के सब राज्य की सड़क सोने से बन जाए और भारत सोने की चिड़िया हो जाए। तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे, देश समृद्धशाली हो जाए, तब शायद ये सूत्र हम कह पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कहना ठीक है, अपने जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी लगी तो आज से पालन करिए। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि ये हम भूल गए, तो क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 2 घंटे तो याद रहता फिर उसके बाद भूल जाते, ये एक और बीमारी है सबको। तो क्या करना, तो ये सब बातें छोटी छोटी पुस्तकों में हमने लिखी हैं। आप बाहर जाएंगे तो एक स्टॉल लगा हुआ होगा, वहां पर छोटी छोटी किताबें हैं, 100 पन्ने की 125 पन्ने की। किताबों के नाम कुछ इस तरह के हैं, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा, ऐसी 5-6 तरह की किताबें हैं। आप ले जाइए, उनमें ये सब है जो मैं बोल रहा था। कभी भूल जाए तो पढ़ लीजिए उनको, और अच्छा लगे तो किताबें अपने पड़ोसियों को भी दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। किसी को गिफ्ट में दे दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इनको थोड़ा फैला दीजिए। तो अभी तो बहुत थोड़े लोगों ने मेरा व्याख्यान सुना, लेकिन अगर इन किताबों के माध्यम से आप चाहें तो हजारों लोगों तक ये विचार पहुंच सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस विचार से परिचित हों और अपने जीवन में इसका उपयोग करने लगे तो देश का जरूर भला हो जाएगा। और हम हमेशा ध्यान ये रखें, यूरोप और अमेरिका से कुछ भी आ रहा है तो बिना सोचे समझे, बिना परखे उसको अपने जीवन में ना लाएं, नहीं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। एक उदाहरण याद आ गया तो समझाता हूं। आजकल हमारे रसोई में ऐसे बहुत उपकरण आए हैं जो यूरोप और अमेरिका से आए हैं, जैसे वो आया ना चटनी बनाने वाला, क्या है, मिक्सर। मिक्सर आ गया, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि ये मिक्सर चाहिए कि नहीं चाहिए, रोज हम उस पर चटनी बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, पहले चटनी कैसे बनाते थे, एक सिल बट्टा होता था, तो सिल बट्टे पे चटनी बनाते थे, तो चटनी तो बनती ही थी। आपको मालूम नहीं, यूट्रस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही है, गर्भाशय की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वही है, सिल बट्टे पे चटनी पीसना। अब मेरे समझ में आता है कि गांव में रहने वाली माताएं जो रोज सिल बट्टे पे चटनी पीसती हैं, किसी को सिजेरियन नहीं कराना पड़ता, सबके बच्चे बिना ऑपरेशन स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होते हैं, क्योंकि उनका गर्भाशय एकदम लचीला रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि रोज 15-20 मिनट की एक्सरसाइज वो करते हैं। अब आ गया जो हमारे घर में मिक्सर, तो अब आप देखो ये बीमारी है या सुविधा है आपकी। ऐसे ही हमारे घर में आ गई वॉशिंग मशीन, पहले हम कपड़े धोते थे तो हाथ से घिसना पड़ता था, ये भी गर्भाशय की ही एक्सरसाइज है, हाथ से कपड़ों को ऐसे ऐसे घिसना। अब हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, होती नहीं एक्सरसाइज, फिर गर्भावस्था में सीजेरियन करा नहीं पड़ता है, जिंदगी भर उसका दुख भोगना पड़ता है। अब किसी को मैं कहता हूं ये मिक्सर निकाल दो और वॉशिंग मशीन, तो कहते हैं क्या राजीव भाई आप उल्टी उल्टी बात बताते रहते हैं, हमारा समय बचता है। तो ये बचा हुआ समय फिर हॉस्पिटल में कटता है, यहां बचा लो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, 2-4 महीने कटेगा यही समय। मैंने ये देखा है और महसूस किया है कि रसोई में जितने उपकरण आए हैं यूरोप और अमेरिका से, सबने माताओं की तकलीफ बढ़ाई है, कम नहीं की है। हमारे घर में पहले एक चक्की होती थी, चक्की, दांता क्या कहते हैं, घट्टी, रोज 15 मिनट माताएं चलाती थी, आटा पीस लिया, गेहूं कुछ कुछ पीस लिए थे, वो भी यूट्रस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज। और सिर्फ यूट्रस ही नहीं, पीठ की, कमर की, मेरु रज्जू की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है घट्टी चलाना। तो पहले की माताएं ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, अब सबके पीठ में दर्द है, पैर में। अब किसी को मैं कहूं 15 मिनट घट्टी चलाओ तो उनको ऐसा तकलीफ आती है कि पता नहीं क्या बोल दिया। लेकिन डीन ओर्निश यही कराता है अमेरिका की महिलाओं से, कहेगा घट्टी लाओ चलाओ, तो सब चलाती है, सबका मोटापा कम होता है, यूट्रस सबका फ्लेक्सिबल होता है, तो सीजेरियन नहीं कराना पड़ता। अब डीन ओर्निश कहता है तो करते हैं, और मैं कहूं तो कहते हैं क्या राजू भाई आप तो ऐसे ही करते रहते हैं।
मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो पुरानी चीजें थी ना, सबके पीछे विज्ञान था। ऐसे ही किसी ने घट्टी नहीं बनाई, ऐसे ही सिलबट्टा नहीं चलवाया, इसके पीछे विज्ञान था। और आज जो आ रही है वस्तुएं, उनके पीछे विज्ञान नहीं है, सुविधा है। सुविधाओं में ज्यादा फंसेंगे तो जरूर बीमार पड़ेंगे। इसलिए शरीर को सुविधावादी मत बनाओ, सुखी बनाओ, वो तो ठीक है, सुविधाओं में ज्यादा मत फंसाओ। तो अगर आपको ये लगे तो आज से करो। और ये सब बातें पढ़नी है तो किताबें ले जाओ, इन पर कुछ सीडी भी बनाई है वो आप ले सकते हो, कॉपी करा करा के दूसरों को दे सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि अपने जीवन में आप करें, दूसरों को बताते जाएं, ये आपको अपने लिए भी काम आएगा, देश के लिए भी काम आएगा। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।